इस गणेश मंदिर में भक्तों ने जो मांगा वो पाया। यहां सबसे पहले श्री राम ने की थी गजानन की आराधना। मूंगे से बनी है गणेश जी की ये प्रतिमा। आदि गंगा तमसा नदी के पावन तट पर स्थित मूंगा गणेश मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग गणेश जी के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों का मानना है कि आज जिसने जो भी भगवान के सामने खड़े होकर मांगा वो उन्हें जरूर मिला है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही तो एक बार इस मंदिर जरूर जाएं। मान्यता है कि मूंगा गणेश मंदिर की स्थापना त्रेता युग में हुई थी, जिस समय भगवान श्री राम वन के लिए निकले थे, तो प्रथम विश्राम उन्होंने तमसा तट पर ही किया था। ये वही स्थान है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रुके थे। उन्होंने यहां भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही गणेश जी की आराधना की थी और वो तभी से यहां स्थापित हैं। उनके अद्भुत दर्शन के लिए आज भी भक्तों का रेला उमड़ता है और यही वजह है कि ये मंदिर श्री राम के भक्तों के लिए बहुत महत्वता रखता है। तो वहीं गणपति बप्पा के भक्त भी यहां से कभी खाली हाथ नहीं लौटते। आपको बता दें कि यहां स्थापित गणेश जी की प्रतिमा कोई साधारण प्रतिमा नहीं है बल्कि बहुत खास है, क्योंकि ये प्रतिमा 2 क्विंटल की जो पूरी तरह से मूंगे से बनाई गई है, इसीलिए इसे मूंगा गणेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन वर्तमान में गणेश जी की प्रतिमा सामान्य प्रतिमाओं की तरह ही दिखती है। प्रतिमा में मूंगे का अंश नहीं दिखता है। इसकी वजह है मुगल शासनकाल में इस प्रतिमा को पॉलिश कराकर इसका रंग बदला गया है। इसी के साथ बता दें कि गणेश जी की दक्षिण मुखी प्रतिमा बिरले ही देखने को मिलती है। मान्यता है कि भारत का ये इकलौता मंदिर है जहां गणेश जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है, इसीलिए इसे विशेष फलदायी कहा जाता है। 3 साल पहले तक यहां कच्ची दीवार के बने खपरेल में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित थी। महंत राजेश मिश्र की देखरेख में भक्तों के सहयोग से आज यहां भव्य मंदिर खड़ा है। मंदिर को भव्य रूप देने के लिए आज भी निर्माण कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि इस मंदिर में पूजा पाठ की कमान हमेशा से उदासीन संप्रदाय से संबंध रखने वाले एक ही परिवार के हाथ में रही है। महंत गणेश मिश्र बताते हैं कि मंदिर परिसर में उनके 13 पूर्वजों की समाधि है, जिसमें 10 लोगों ने जीवित समाधि ली थी, बाकी 3 की समाधि सामान्य है। ऐसी मान्यता है कि कुंडली दोष या मनचाहे वर की इच्छा या फिर संतान सुख की कामना भगवान गणेश के दर्शन से भक्तों की हर इच्छा पूरी होती है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।